हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने नेटवर्क टेक्नोलॉजी CS2 का ये जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, वो हमने स्टार्ट किया था। और उस चैप्टर में अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसका क्या मीनिंग होता है कि जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वो 3 फ्लोर तक वैलिड है, वो 12 फ्लोर का ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरीके से उधर वहां उस जगह पे नेटवर्क क्रिएट करना है। वो दो टाइप के हैं जो आपके बुक में है, वो आपको पढ़ना है फॉर बोर्ड। तो हमें दो टाइप्स ही पढ़ने हैं, दैट इज ईथरनेट एंड टोकन रिंग। विल स्टार्ट विथ ईथरनेट फर्स्ट। यू कैन सी वर्क स्टेशन इज गिवन। वर्क स्टेशन मीन्स ये पूरा कनेक्टेड पीसीज होगा, यहां पे भी, ये सेकेंड वर्क स्टेशन पे भी। ये एक वर्क स्टेशन है, ये सेकेंड वर्क स्टेशन है, ठीक है। सो दिस इज कनेक्टेड विथ 10BASE-T हब जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इस तरीके से इथरनेट कनेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं, सॉरी। दिस इज मोस्ट कॉमन फिजिकल नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क विच यू कैन सी। एंड ये क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स इन लैन। जब कभी भी लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, सो विल यूज दिस आर्किटेक्चर। एंड इट इज वैलिड अप टू 10 किलोमीटर्स। एंड ईच डिवाइसेस आर एवरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ शेयर्ड मीडियम। शेयर्ड मीडियम मीन्स टाइप्स ऑफ वायर। जब कभी भी आप कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करोगे, तो आपके पास क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए कनेक्शन के लिए। सो वायर्स आर यूज्ड। और कौन से वायर्स हैं? को एक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आप सभी ने इस चैप्टर में पढ़ा है, वही वायर्स है। इथरनेट में जब कभी भी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो एक स्मॉल यूनिट में ट्रांसफर होता है, जिसे हम फ्रेम्स बोलते हैं। तो हर एक फ्रेम में क्या रहता है? इफ यू कैन सी दिस सोर्स, मीनिंग ऑफ दिस सोर्स इज कहाँ से डेटा आ रहा है और कहाँ पे डेटा जाने वाला है, हर जगह का एड्रेस उस फ्रेम में होगा। एंड एवरी डिवाइस हैज यूनिक एड्रेस। हर एक डिवाइस के पास क्या रहता है? यूनिक एड्रेस। जैसे हम सभी के घरों का एक यूनिक एड्रेस है, सेम वे यहाँ पे भी हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। सो नो टू डिवाइसेस हैव द सेम एड्रेस। इथरनेट वेरी सिंपल टू लर्न। और जो ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं ना, ये आप सभी सेम एज इट इज आप पेपर में लिख सकते हो। इट इज वैलिड फॉर बोर्ड, सो नो नीड टू सर्च फॉर एनी थेरी। आप यही थेरी पूरा का पूरा आप पेपर में लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इथरनेट। तो इथरनेट वर्क स्टेशन क्या करता है? सिग्नल सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट में क्या रहेगा, कहाँ से डेटा आ रहा है, उस जगह का एड्रेस होगा और कहाँ पे जाने वाला है वहां का भी होगा। लेकिन अगर अभी आपने डायग्राम में देखा कि बहुत सारे वर्क स्टेशन जब एक साथ इथरनेट में कनेक्टेड है, तो इट इज पॉसिबल कि कोलिजन हो सकता है। मीन्स अगर सारे वर्क स्टेशन एक साथ में डेटा ट्रांसफर करेंगे, तो आपका डेटा कहीं ना कहीं कोलाइड हो सकता है, विच इज सिमिलर टू ट्रैफिक। जैसे हम देखते हैं रोड पे ट्रैफिक होगा, जब अगर सब साइड से व्हीकल्स जा रही है, तो ट्रैफिक हो सकता है। सो सेम वे हियर, यहाँ पे भी ट्रैफिक हो सकता है। एंड वो किस चीज का ट्रैफिक होगा? डेटा का। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल CSMA/CD, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। तो जिसमें पाथ को सेंस करता है कि हमारा पाथ फ्री है क्या, फ्री है तो वो डेटा सेंड करेगा। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि डेटा सेंड करेगा, लेकिन अगर कोलाइड हो गया, तो उसके बाद वो थोड़ा देर तक स्टॉप हो जाएगा और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, और उसके बाद डेटा फिर से ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ दिस प्रोटोकॉल इन इथरनेट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इथरनेट। टाइप्स ऑफ इथरनेट वी हैव टू लर्न 4 टाइप्स। और आप देखोगे आपको नाम में ही, ये पहला नाम है
10 base 2. तो अकॉर्डिंग टू द नेम यू कैन राइट द थ्योरी. दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड सिंपल ऑल्सो. जस्ट यू हैव टू लर्न वन और टू पॉइंट. आपको हर एक टाइप में एक या दो पॉइंट आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. बाकी सब ये नाम जो भी लिखा है उस बेसिस पे ही आप लिख सकते हो. सो हियर विच यू हैव टू लर्न दैट दिस इज थिन नेट केबल. ओके, मैक्सिमम नेटवर्क लेंथ इज 200 मीटर. तो ये 200 मीटर, ये 2 यहां पे लिखा हुआ. ओके, सो 200 मीटर तक वैलिड है. बेस बैंड सिग्नलिंग, यू कैन सी हियर बेस इज रिटन बिकॉज टाइप्स ऑफ सिग्नल. सो दिस इज बेस बैंड सिग्नलिंग एंड स्पीड इज 10 Mbps. तो स्पीड कितना है? 10 Mbps. तो यू कैन सी दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी सिंपल टू रिमेंबर. बेस बैंड सिग्नलिंग, स्पीड एंड वैलिडिटी ऑफ नेटवर्क. ओके, सेकेंड टाइप 10 base 5. हियर इट इज थिक नेट. ओके, तो जैसे ही ये 2 का 5 हुआ है, वहां पे थिन था, यहाँ पे थिक नेट है. सो एटलीस्ट आपको ये भी पॉइंट समझ में आ जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी सिंपल. फर्स्ट विल बी 5 लिखा है तो क्या होगा? 500 मीटर तक वैलिड है. बेस लिखा है तो बेस बैंड सिग्नलिंग, 10 लिखा है तो स्पीड इज 10 Mbps. ओके, तो ये ईथरनेट और उसके टाइप्स पढ़ना बहुत ही सिंपल है. अगर आपको ये नाम समझ गया है, ये नाम कैसे लिखना है, तो आप उसका थ्योरी भी अच्छे से आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज 10 base t. हियर टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल. ओके, ये टी का मीनिंग क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल. सो ट्विस्टेड पेयर केबल एंड मैक्सिमम नेटवर्क लेंथ इज 100 meters. बेस बैंड सिग्नलिंग एंड स्पीड इज 10 Mbps. ओके, तो यहां पे ये 10 दिया हुआ है, बेस बैंड सिग्नलिंग दिया हुआ है एंड टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर हियर 100. ओके, लास्ट वन इज 10 base FL. FL का मीनिंग यहाँ पे है फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल, बेस बैंड सिग्नलिंग एंड 10 Mbps स्पीड. ओके, एंड दिस इज वैलिड अप टू 2000 मीटर. ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये 2000 मीटर तक वैलिड है. क्यों वैलिड होगा? बिकॉज इट इज फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, एंड लास्ट पॉइंट हियर विच यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज यूज टू रिमूव इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस. क्यों करते हैं यूज? क्योंकि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट वेव में डेटा ट्रेवल होता है, तो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस जो भी है उसको कम करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोकन रिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी मच सिंपल कि कहां से डेटा. अगर आप ये देखोगे तो ये सारे ना वर्क स्टेशन है. ये जितने भी पीसी ड्रॉ किए हैं, दीज आर वर्क स्टेशन. तो ये टी का मीनिंग है कहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और कहां पे डेटा रिसीव हो रहा है. ओके, तो यहां अभी इसका कैसा वर्किंग है विल सी. और आप टोकन रिंग का भी थ्योरी अगर पेपर में पूछते हैं, आप सिंपली ये थ्योरी लिख सकते हो. ओके, तो ये जो भी मैंने दिया हुआ है ये आप ही, आप लोगों के लिए डायरेक्टली बोर्ड का कंटेंट ही है विच यू कैन यूज फॉर राइटिंग. सो टोकन रिंग इज क्रिएटेड बाय और डेवलप्ड बाय IBM. ओके, सो टोकन रिंग अकॉर्डिंग टू द नेम यहां पे क्या है? टोकन पास करते हैं. यहां पे एक टोकन पास होता है. जैसे इथरनेट में फ्रेम पास होता था, यहां पे टोकन है. द टोपोलॉजी इज फिजिकली स्टार टोपोलॉजी, लॉजिकली अ रिंग टोपोलॉजी. तो दिखने में वो कैसा दिखेगा? स्टार टोपोलॉजी. बट उसका वर्किंग कैसा होगा? लाइक रिंग टोपोलॉजी. टोकन पासिंग नेटवर्क मूव्स अ स्मॉल फ्रेम कॉल्ड टोकन. तो जैसे इथरनेट में फ्रेम पास होता था विथ एड्रेस एंड डेटा, यहां पे टोकन पास होता है. ओके, द नोड विच पासिस टोकन हैव राइट टू सेंड इंफॉर्मेशन. तो जो भी नोड टोकन पास कर रहा है और टोकन फ्री है, तो नोड क्या कर सकता है? उसको पूरा राइट है कि वो डेटा सेंड करे. ओके, एंड इफ द नोड पजिसिंग टोकन डज नॉट डज हैव इंफॉर्मेशन
टू सेंड, देन इट सेंड्स इट टू द नेक्स्ट नोड और वर्क स्टेशन. ओके, तो अगर उसे इंफॉर्मेशन सेंड करना है, डेटा सेंड करना है, तो वो क्या नेक्स्ट नोड पे सेंड करेगा. ओके, तो इसका वर्किंग कैसा होता है कि जब भी टोकन यूज करके हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे एंड क्या होगा, टोकन नेक्स्ट नोड को पास होगा. ओके, तो नेक्स्ट वाला जो वर्क स्टेशन पे नोड होगा वो चेक करेगा कि ये टोकन का जो डेटा है वो मेरा है क्या. तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो, और वो क्या बोलेगा, इफ इंफॉर्मेशन डज नॉट बिलोंग्स टू इट, इट विल सेंड टू द नेक्स्ट नोड. ओके, जैसे आपके घर पे कोई पार्सल आएगा तो आप पहले चेक करोगे कि आपका पार्सल है क्या. अगर है तो यू विल यूज इट, अदरवाइज यू विल सेंड इट टू द जो भी लिखा होगा जगह, आप वहां पे भेजने के लिए ट्राई करोगे. सेम वे यहाँ पर जो भी नोड पे डेटा ट्रेवल होता है, नोड चेक करता है कि ये डेटा उसका है क्या बाय यूजिंग एड्रेस, एंड इफ इट इज नॉट देन इट विल सेंड टू द नेक्स्ट नोड. ओके, एंड इंफॉर्मेशन फ्रेम इज सर्क्यूलेटिंग, नो टोकन इज ऑन द नेटवर्क, विच मीन्स द अदर नोड्स मस्ट वेट टू ट्रांसमिट. ओके, तो यहाँ पे कभी भी इंफॉर्मेशन जो भी सेंड हो रही है ये फ्रेम और वी कैन सी एज टोकन के फॉर्म में सेंड होते रहेगा, एंड कोई भी नोड को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है दे विल वेट फॉर द फ्री टोकन. ओके, तो वो टोकन का फ्री हो रहा है उसका वेट करेंगे और डेटा ट्रांसमिट करेंगे. ठीक है, सो इन दिस फॉर्मेट हमें ये टोकन रिंग पढ़ना है. इट इज वेरी मच सिंपल, IBM ने क्रिएट किया है. टोकन के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, फिजिकली इट इज स्टार एंड लॉजिकली इट इज रिंग. जो भी टोकन ट्रांसमिट होता है, ओके, जहां से भी स्टार्ट होता है दैट नोड कैन ट्रांसफर डेटा एंड इट कैन सेंड टू द नेक्स्ट वर्क स्टेशन. तो हर एक वर्क स्टेशन क्या करेगा, नोड क्या करेगा, वो टोकन का डेटा मैच करेगा कि ये डेटा उसका है क्या बाय यूजिंग एड्रेस, and if it is not it will pass it to the next one. Okay, so this is our token ring. So here we completed our network architecture topic, and next topic will be TCP/IP protocol, which is very much important for board and the maximum chances for that question to come in 2023. Okay, so till that time prepare this topic. And thank you, students, and thank you, friends.